नमस्कार, आप देख रहे हैं यान न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी पाठक। जम्मू कश्मीर में हमेशा से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चलती नजर आई है। कभी भी आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। मंगलवार सुबह जम्मू कश्मीर में पुलवामा के मारवल इलाके में आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके चलते सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना के मुताबिक सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद इलाके में चारों तरफ तलाशी अभियान चलाया गया और इलाके में घेराबंदी भी कर दी गई है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तलाश जारी है, जिसके दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिस पर सेना ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग भी की है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि पुलवामा के मारवल इलाके में तलाशी अभी भी जारी है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों को आतंकवादी होने की सूचना मिली थी। रविवार सुबह आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के दल पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में मुठभेड़ में किसी को भी हानि नहीं पहुंची है।